हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। डियर स्टूडेंट्स, आज की ये एक सेकेंड वीडियो है एफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस बनाने की, जिसमें कल की वीडियो में 6 रूल कंप्लीट किए थे। आज की वीडियो में देखेंगे रूल नंबर 7। 3 रूल और हैं जिसमें यही देखा जाएगा कि एफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। तो आप देखें, सबसे पहले रूल नंबर 7 क्या है कि यदि सेंटेंस है वो है पॉजिटिव डिग्री में। यदि सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में हो और अफर्मेटिव हो, अब डिग्री कितनी होती हैं? पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव, तीन प्रकार की डिग्री होती हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो इस तरह से सेंटेंस तुम्हारा कौन सी में हो? पॉजिटिव डिग्री में, और अफर्मेटिव हो तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सबसे पहले आएगा आपका न्यू सब्जेक्ट, उसके बाद टू बी, टू बी मीन्स इज आर एम बाजवर, और उसके बाद नॉट, उसके बाद सेकेंड डिग्री, देन फिर अदर वर्ड। एग्जाम्पल है आपके सामने, लिखा है माई फ्रेंड इज एज हैप्पी एज यू, मेरा मित्र इतना प्रसन्न है जितने कि तुम। ये सेंटेंस इसमें है पॉजिटिव डिग्री में और अफर्मेटिव है। अब इसका बनाना है आपको नेगेटिव। अगर देखें स्ट्रक्चर, पहले चीज़ तो बना ही दिया है। देखिए, पहले तो आएगा न्यू सब्जेक्ट, तो न्यू सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? माई फ्रेंड, तो ये लिखा है, सॉरी माई फ्रेंड नहीं, ये वाला सेंटेंस है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है यू, तो न्यू सब्जेक्ट हो गया ये, इधर आ गया तो यू आ गया इधर, उसके बाद में क्या आएगा? टू बी, इज आर एम पाँच बार, तो यू के साथ में आर, उसके बाद नॉट, उसके बाद सेकेंड डिग्री, तो हैप्पी की मोर हैप्पी, यू आर नॉट मोर हैप्पी, उसके बाद आएगा देन, देन आ गया, फिर अदर वर्ड, क्या रह गया? अदर वर्ड या अदर सब्जेक्ट, माई फ्रेंड, ऐसे बन जाएगा ये। और अगर आपको ऐसे नहीं बनाना है, केवल सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में है और उसमें दिया हो एज एज, ये देख लें आप, ये दिया है सेंटेंस में एज एज, एज ये है और एज ये है, तो आपकी मर्जी है, ये न्यू सब्जेक्ट ना लगा के सेंटेंस को स्टार्टिंग से ही बना देते हैं। तो पहले है माय फ्रेंड, तो पहले आ गया माय फ्रेंड, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब आ गई सिंगुलर इज, उसके बाद नॉट आ गया, ये नॉट है, फिर आएगी सेकेंड डिग्री, तो मोर हैप्पी, उसके बाद देन, देन अदर वर्ड, अदर वर्ड क्या रह गया? यू, तो यू लिख दिया। इस तरह से आप देखें, नेक्स्ट एग्जाम्पल है सी वाज एज ब्यूटिफुल एज राधा, वह उतनी खूबसूरत है या सुंदर है जितने की राधा। तो इसकी पहचान यही होती है, अफर्मेटिव में होगा तो क्या दिया होगा? एज एज, तो दिया है एज, तो स्पेस में एडजेक्टिव एज। तो इसे बनाए कैसे बनाएगा? अगर बनाते हैं न्यू सब्जेक्ट से, तो पहले तो आएगा राधा, यह आ गया न्यू सब्जेक्ट राधा, उसका टू भी आएगा, तो टू भी क्या हो जाएगा? राधा के साथ में क्या आएगा? इज आर एम बाज बर, तो यहाँ पास्ट में है तो आ गया बाज, राधा बाज, उसके बाद नॉट, सेकेंड डिग्री क्या आ जाएगी ब्यूटीफुल की? मोर ब्यूटीफुल, राधा बाज नॉट मोर ब्यूटीफुल, उसके बाद देन अदर वर्ड क्या रह गया? सी, ऐसे बन जाएगा ये। और अगर ऐसे नहीं बनाना है तो आपको राधा यहाँ ना लिख के यहाँ सीधे ऐसे ही बनाते चले जाएं, यहाँ लिख दें सी और यहाँ कर दें राधा, तब भी सही है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट रूल है, यदि सेंटेंस जो है वो हो कंपेरेटिव डिग्री में, यदि सेंटेंस कंपेरेटिव डिग्री में हो और अफर्मेटिव हो, तो स्ट्रक्चर लिखा है आपके सामने कि न्यू सब्जेक्ट, टू बी, नॉट, सो, फर्स्ट डिग्री, एज, अदर वर्ड। एग्जाम्पल है राधा इज टॉलर देन आई, राधा मुझसे लंबी है, तो सेंटेंस कैसा है? कंपेरेटिव में ईआर लगा है, कंपेरेटिव डिग्री की पहचान क्या होती है? या तो लगा होगा उसमें ईआर, या लगा होगा उससे पहले मोर, तो क्या है? ईआर लगा तो कंपेरेटिव डिग्री है, तो पहले आएगा न्यू सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा? आई, आई आ गया ये, उसके बाद टू बी, इज आर एम बाजबर, तो आई के साथ क्या आएगा? एम, नॉट आएगा फिर, आई एम नॉट, उसके बाद सो, उसके बाद फर्स्ट डिग्री, तो टॉलर की फर्स्ट डिग्री टॉल, उसके बाद ये एज, अदर वर्ड क्या रह गया? राम, ये बन जाएगा कि आई एम नॉट सो टॉल एज राम। उसके बाद है आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है
शी वाज मोर ब्यूटिफुल देन आई, शी वाज मोर ब्यूटिफुल देन आई। तो इसका बनाना नेगेटिव, तो न्यू सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, आ गया आई, और पास्ट में है ये तो आई के साथ में वाज, आई वाज, उसके बाद नॉट, आई वाज नॉट, सेकेंड डिग्री क्या हो जाएगी, मोर ब्यूटिफुल, आई वाज नॉट मोर ब्यूटिफुल, उसके बाद देन, अब क्या रह गया सी। ये रूल हुआ आपका कि आई वाज नॉट मोर ब्यूटिफुल देन सी, ये बन जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल है कि रूल नंबर 9, यदि सेंटेंस में एडवर्ब टू दिया हो और इन्फिनेटिव टू दिया हो, जैसे टू आपके दो होते हैं, एक ये टू जिसे हम बोलते हैं एडवर्ब टू, ये होता है एडवर्ब टू, जिसका मतलब होता है भी, और इसी का मतलब होता है अधिक, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। और ये वाला टू है, ये क्या है, ये है इन्फिनेटिव, ये इन्फिनेटिव, और यही है प्रीपोजिशन। ठीक, तो यही रूल है कि यदि सेंटेंस में एडवर्ब टू ये दिया हो और इन्फिनेटिव टू ये दिया हो, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, पहले तो आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद टू बी, सो एडजेक्टिव आएगा, फिर दैट, सब्जेक्ट फिर से रिपीट कर देंगे उसी सब्जेक्ट को, फिर कैन नॉट या कुड नॉट, या कैन या कुड, यहाँ स्ट्रक्चर में नॉट रह गया, लगने के लिए लगा देना, मतलब स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए था, सब्जेक्ट के बाद में कैन या कुड प्लस नॉट, प्लस नॉट प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट, या कुड या कैन या कुड के बाद में नॉट रह गया, लगा देना आप। तो एग्जाम्पल है, ही इज सो पुअर, ही इज टू पुअर टू बाय अ कार, यही तो है, ही इज टू पुअर टू बाय अ कार, तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, वो क्या है, ही आ गया, फिर टू बी, इज आर एम बाजबर, तो ही के साथ में इज दिया, इज लग गया, फिर आएगा सो, ये मान सकते हैं इस टू के स्थान पर आ गया सो, यहाँ तक पहुँच गए, फिर आएगा एडजेक्टिव, पुअर आ गया, फिर आएगा दैट, तो दैट आ गया, सब्जेक्ट फिर से वही आएगा, तो यहाँ ही है, तो ही फिर से आ गया, अब कैन या कुड आएगा, यहाँ पर देखना है, अगर इज आर एम है तो प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में आता है कैन, अगर यहाँ होता बाजबर तो आता कुड, तो ये इज है, इसका मतलब प्रेजेंट में है, तो आ गया कैन, और नॉट बताया था, लगा देना यहाँ पे नॉट, तो ये नॉट आ गया, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, पहले ये वर्ब लिख दें, बी वन तो आ ही जाएगा, वाई अ कार। नेक्स्ट एग्जांपल है, ये देखें आप, लिखा है राम वाज टू वीक टू रन फास्ट, राम दौड़ने के लिए बहुत कमज़ोर है, तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, राम, ये आ गया आपका सब्जेक्ट, उसके बाद में टू बी यानी वाज, राम वाज, उसके बाद टू के स्थान पर लगा देंगे सो, एडजेक्टिव हो जाएगा वीक, राम वाज सो वीक, फिर क्या आएगा दैट, उसके बाद क्या बताया था, सब्जेक्ट दोबारा वही आता है जो पहले होता है, लेकिन नाम दोबारा लिखते नहीं है, नाम के स्थान पर प्रोनाउन, तो लड़का है आएगा ही, अब वाज में है यहाँ पर, तो क्या आएगा, अब आएगा कुड, और नॉट तो आएगा ही कुड नॉट, उसके बाद क्या रह गया, रन फास्ट, रन फास्ट। तो सन एग्जाम्पल आपका ये देख लें आप कि राम वाज टू वीक टू रन फास्ट, तो क्या बन गया, राम वाज सो वीक दैट ही कुड नॉट रन फास्ट। एक इसके बाद देखते हैं लास्ट रूल, रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 है, यदि सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में हो, देखिए सुपरलेटिव डिग्री की पहचान क्या होती है, एडजेक्टिव दिया होगा उसके पहले द जरूर दिया होगा, अगर उसके बाद में कोई नाउन है तब, ये देख लें आप, मतलब पहले द नाउन, बीच में होगा आपका एडजेक्टिव, जैसे कि यहाँ लिखा है बेस्ट, तो यहाँ क्या आएगा द, लेकिन बाद में नाउन भी हो, जैसे बॉय, द बेस्ट बॉय, क्योंकि अगर बॉय नहीं है तो ये द भी नहीं आएगा यहाँ पर, ये कंडीशन है इसकी, बाद में नाउन हो तब द आएगा पहले, सुपरलेटिव डिग्री के पहले। तो स्ट्रक्चर देखें आप, यदि सेंटेंस सुपरलेटिव में हो तो सबसे पहले तो आएगा आपका नो, उसके बाद में आएगा न्यू सब्जेक्ट, फिर टू बी, सो फर्स्ट डिग्री एज अदर वर्ड। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल है पहला, ही इज द बेस्ट बॉय, तो ही इज द बेस्ट बॉय, वह सबसे अच्छा लड़का है, ये है एग्जाम्पल, और जब इसे बनाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा नो, तो ये देखिए नो आ गया, अब आएगा न्यू सब्जेक्ट, तो न्यू सब्जेक्ट क्या है, बॉय, तो बॉय लगा दिया, नो बॉय, फिर टू बी यानी इज आर एम बाय,
तो नो बॉय के साथ क्या आएगा, इज, फिर सो, सो आ गया, फिर एडजेक्टिव गुड लिख दिया, फिर एज, फिर से एज लगा दिया, अदर वर्ड क्या रह गया, ये ही लगा दिया यहाँ पे, तो नो ही इज द बेस्ट बॉय, तो क्या बना, नो बॉय सो गुड एज ही। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सी वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल, सी वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल, तो सबसे पहले क्या आएगा, नो, तो नो लगा दिया, उसके बाद में आएगा न्यू सब्जेक्ट, क्या है, गर्ल, नो गर्ल, उसके बाद क्या आएगा, टू बी, तो पास्ट में है ये, पास्ट में वाज, नो गर्ल वाज, उसके बाद सो फर्स्ट डिग्री ब्यूटिफुल, उसके बाद एज, अदर वर्ड क्या रह गया, सी, ये बन जाएगा नो गर्ल वाज सो ब्यूटिफुल एज सी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के रूल्स, जो कि 10 थे। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे असर्टिव से इंटरोगेटिव या इंटरोगेटिव से असर्टिव। वैसे भी अब इसका अगर उल्टा रूल किया जाए, जैसे कि आप ये पढ़ रहे हैं, इस समय अफर्मेटिव से नेगेटिव दिखाता हूँ मैं आपको, ये इस समय आप अफर्मेटिव से नेगेटिव पढ़ रहे हैं, अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना। अब इसका अगर उल्टा किया जाए रूल में, नेगेटिव से बनाया जाए अफर्मेटिव, तो जो रूल अभी कराए हैं 10, उन सभी रूल्स के आप कर देंगे उल्टे। जैसे कि पहला वाला रूल था ये वाला, ये है, इसे हटाओ, सेकंड रूल, जैसे इसी रूल को ले लें कि अगर सेंटेंस में दिया है ओनली या अलोन, तो क्या लगाते हैं, नॉन बट। इसका उल्टा कर दें तो यही तो हो जाएगा कि यदि सेंटेंस में नॉट बट दिया हो, नॉन बट दिया हो, तो इसके स्थान पर आता है ओनली या अलोन। तो इस तरह से ये रूल कराना नहीं है, समझ लेना अपने आप से। अब नेक्स्ट वीडियो में, कल की वीडियो में देखेंगे असर्टिव से इंटरोगेटिव बनाना या फिर इंटरोगेटिव से असर्टिव बनाना। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।